जी हाँ, जे आर कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। जे आर कॉन्वेंट, सुनीता विद्या नगरी, दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118, 9576466461। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारायण मीडिया। सिवान में हथियार के बल पर लाखों की लूट, लगातार हो रही लूट की घटनाओं से लोगों में दहशत। सिवान सिसवन मुख्य पथ के सहुली के फल दुधिया गांव के समीप रविवार की दोपहर 12 बजे नकाबपोश बदमाशों ने हथियार का भय दिखा बाइक सवार से 60,000 रुपया नगद, सोने की चैन, दो मोबाइल आदि लूट लिए। घटना से गुस्साए ग्रामीण सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे तथा पुलिस अधिकारियों के उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगे। बताया जाता है कि सिसवन थाना के नंदामुड़ा निवासी ओम प्रकाश सिंह, उनका भतीजा राजीव सिंह तथा उसी गांव के राकेश पांडे एक ही बाइक से सवार होकर सिवान आ रहे थे। उन्हें विदेश जाने के लिए मेडिकल कराना था। हसनपुरा पेट्रोल पंप से तेल भरवा कर जैसे ही आगे बढ़े कि दो बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने उनका ओवरटेक करने लगे और फल दुधिया गाँव के समीप आकर ओवरटेक कर गाड़ी रोक दिया तथा हथियार का भय दिखा घटना को अंजाम दिया। बताते चले कि इस मार्ग पर लगातार यह तीसरी घटना है जिससे आने जाने वाले लोगों सहित स्थानीय ग्रामीणों में भय व्याप्त है। हसनपुरा से कुमार आशीष की रिपोर्ट। नहीं सर, डीएम को बोलाइए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बोलाइए। ये चीज जो है ना, अभी रोड जाम नहीं करना है, इस पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, बात कीजिए। और इसको जो है आज दिन डेली डेली होता है, क्यों होता है बताइए सर। इसके लिए अभी देखिए सारे लोग अभी तुरंत प्रशासन से 5 मिनट बाद उसका छिंटाई, हम खबर भी नहीं किए तो क्राइम दोनों का मिल भगत चल रहा है। अब तो ये बात हम नहीं ना कहेंगे, हम लोग बोलेंगे ना, हम लोग सब इंसाफ होना चाहिए, हम लोग सब इंसाफ होना चाहिए। आप लोग थाना पे चलिए, जहाँ जाना नहीं, थाना से बात नहीं होगा, थाना से बात नहीं है। यहाँ हुआ, हम लोग यहाँ थाना पे नहीं जाएंगे, थाना पे नहीं जाएंगे। सुनिए, रोड जाम नहीं करना है अभी, आप शासन प्रशासन का सख्त आदेश है, रोड जाम नहीं करना है आपका। चलिए थाना पे चलिए, थाना पे चलिए, 10 आदमी चलिए, हम चलते हैं, बोलिए। रोड जाम नहीं ना करना है, साइड में इधर आ जाइए। कैसे, क्या हुआ है आपके साथ, कौन सी घटना हुआ है? हम लोग पेट्रोल पंप पे 300 का पेट्रोल भरवाए जी, और पेट्रोल पंप पर से जैसे ही पेट्रोल पंप से बाइक चालू किया वहीं से 2 अपाची वाले लग गए, पीछे से लग गए। उसके बाद हम लोग सोच रहे थे आपस में दोस्त यार होगा, बात करते हुए चल रहा था, हम लोग आगे पीछे कर रहा था, और यहाँ पे आने के बाद सीधे आगे गाड़ी आकर के ये चला रहे थे। हमारे छोटे बहन के राजेश सिंह है, इनके फटाके कर चाबी निकाला, तुरंत आटा लोड किया, मुंह में भिड़ा दिया इनको, और ऐसे चैन छीना, अंगूठी छीना और मोबाइल भी लिया। हमारे पास ऐसे चाकू मिलाया और हमारा भी ऐसे गला चेक किया, मेरे जने ऐसे खींचा और बोला कि तेरे को मार देंगे। मैं गाड़ी का नंबर याद कर रहा था, उसके चाकू भी ऐसा, गाड़ी का नंबर याद कर, तेरे को चाकू इधर ही मार के मंगा देंगे, ठीक है। फिर भी मैं गाड़ी का नंबर याद किया उसका, BR01T4655 उस गाड़ी का नंबर है। एक डबल सिलेंसर है गाड़ी है और एक सिंगल सिलेंसर है गाड़ी है। अमाउंट भी था, रुपया था, और एक मोबाइल था, हमारा मोबाइल था, और उनके पास मोबाइल था, और एक जो अभी थाने में ओम प्रकाश सिंह उनका भी पर्स ATM जो भी है वो लोग ले गए। कितने लोग थे वो? वो लोग 5 लोग थे, 5 लोग थे। एक पे तीन है, चेहरा पर चेहरा ढका हुआ था, हाँ चेहरा ढका हुआ था, दो आदमी हेलमेट लगाया हुआ था, कैमरा में फोटो भी आया उन लोगों का। आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। हाँ, कहाँ? मेरा नाम नंदा मुड़ा पड़ता है, हाँ, सिसवन का नाम। आपके साथ भाई है? आप दोनों साथ में ही थे? हाँ, तीन आदमी हम लोग थे। एक बार गाड़ी का नंबर फिर से बताइए। BR01T4655 सफेद अपाची, नहीं नहीं, ब्लैक ब्लैक अपाची, 250 cc का था। एक दोनों ब्लैक की गाड़ी, हाँ दोनों ब्लैक, ठीक ठीक, हाँ, और पेट्रोल पंप पर सही लग रहा था, पेट्रोल पंप से पीछे लग गया था पेट्रोल पंप। मुझे क्या कहना चाहते हैं, आए दिन ऐसी रोज घटनाएं हो रही है, हमारे जो NH ये हाईवे है यहाँ पे डेली कोई ना कोई ऐसी घटना हो जा रही है जिसमें पब्लिक को नुकसान हो रहा है, किसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम बता रहे हैं आपसे, यहाँ पे ये 3 घटना हो गया जो सहुली के आसपास हुआ। अभी कुछ दिन पहले बैंक लूट लिया गया था हमारे यहाँ सहुली में, ये बहुत गलत बात है।
आ ये प्रशासन का नाकामी है एकदम निश्चित रूप से हम कहेंगे इसको, कोई दो राय नहीं है, ये गलत बात है, इसको रोकना है। हमसे जो सहायता है बोलिए हम करते हैं, खड़ा है हर हाल में, लेकिन ये सब कांड न हो यहाँ पे। सोहली में क्यों हो रहा है, सोहली को बदनाम किया जा रहा है, ये सब हम सीधे बोल रहे हैं, सोहली को बदनाम किया जा रहा है। आई इसमें सर लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये निश्चित बात है। आज जो घटना उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, गन पॉइंट पे घटना हुआ है, बहुत गलत बात है। हमें सूचना मिला थोड़ी देर में, हम आए अभी, लड़का सब जाम किया होता, हम भी इस जाम का समर्थन कर रहे थे, इसलिए कि भाई सही बात है, प्रशासन आए इस बात को समझे। जाम करने का मतलब कोई ऐसा नहीं था, हम भी इसलिए साथ में थे कि हमें लगा कि नहीं ये अच्छी बात है, प्रशासन को समझना चाहिए। छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, 20-30 हज़ार रुपया कर्जा काट के कहीं से लेके जा रहा है, कोई छीन लेगा मार के, ये कौन सा बात है भाई। FIR दर्ज होता है, कोई कार्रवाई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, हम जानते हैं कुछ नहीं होता है, हम लोग बाहर रहने वाले आदमी हैं, इसका भी कुछ नहीं होगा, हमें पूरा ख्याल है, रहता हूं जी। ये लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, किस तरह यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अब सरेआम लूटमार हो रहा है, एक हफ्ता में 3-3 गो लूटमार होगा, तब इससे ज्यादा क्या कहेंगे, और कुछ है। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं, प्रशासन से मांग करेंगे कि इसको बंद कराया जाए, ये सब मुक्ति दिवाया जाए, बदनामी हो रहा है, हम लोग का गाँव का भी बदनामी हो रहा है, इसमें टोलिए मोड़ पर कहा हो रहा है ये सब चीज। यहाँ पे व्यवस्था है, दो थाना का यहाँ पे मिश्रण है, दोनों थाना में इन लोगों को आके यहाँ पे गश्ती देना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए यहाँ पे, हमेशा रहना चाहिए यहाँ पे, हाईवे रोड है। ठीक।